खबर रीवा से है, जहां के जीएमएच में बिना ब्याही मां ने मृत बच्ची को जन्म दिया तो कई बड़े राज से पर्दा उठा। इसके पहले तक बच्ची को जन्म दिलाने वाले डॉक्टर्स को ही नहीं पता था कि पेट में बच्चा लिए लड़की की अभी शादी नहीं हुई है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मृत बच्ची को लेके पूछताछ शुरू की गई। बच्ची के पिता का नाम पूछा गया तो सब शांत हो गए। बहुत देर तक जब जवाब नहीं मिला तो पुलिस की सख्ती से किशोरी के परिवार वालों ने सब कुछ बयां कर दिया। रीवा जिले में 17 वर्षीय किशोरी बिना शादी के ही माँ बन गई। एक सप्ताह पहले नाबालिग लड़की श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबंधित गांधी स्मृति हॉस्पिटल में मृत बच्ची को जन्म दिया था। डिलीवरी के बाद चिकित्सकों ने पिता का नाम पूछा तो परिजनों ने कुछ जवाब नहीं दिया और ऐसे में पूरा मामला संदिग्ध होने पर पुलिस को जानकारी दी गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने नाबालिग से उम्र संबंधी दस्तावेज मांगे तो पीड़िता ने गोलमोल जवाब दिया। संदिग्ध बयानों को देखते हुए शून्य पर प्रकरण कायम कर गुड़ थाने को केस डायरी भिजवाई गई। केस डायरी पढ़ते ही पुलिस हरकत में आ गई। तुरंत पीड़िता के बयान को दर्ज कर मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच की गई तो पता चला कि रेपिस्ट भी नाबालिग बालक है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 3 जुलाई 2021 को 17 वर्षीय लड़का पीड़िता के घर में जबरदस्ती घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। वारदात करने के बाद आरोपी लड़के ने पीड़िता को जान से मारने की भी धमकी दी थी। हालांकि पीड़िता ने अपनी मां को पूरी कहानी बता दी थी, लेकिन आरोपी की पक्ष की धमकी से मां भी डरी रही। फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 452, 376, 506 एवं पॉक्सो एक्ट का अपराध कायम कर अपचारी बालक को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया है। ये अभी 5 अप्रैल को संजय गांधी हॉस्पिटल में एक बच्ची एडमिट होती है और वहाँ से फिर वो एक मरी हुई बच्ची को जन्म देती है। उस बच्ची की उम्र करीब 17 वर्ष 10 माह के आसपास थी। पुलिस थाने को सूचना जाती है, थाने वाले इसमें संज्ञान लेते हैं, उसका बच्ची से पूछताछ करते हैं। बच्ची की पूछताछ से निकल के आता है कि 2021 जुलाई में वो बच्ची जब अपने घर पर थी तो बच्ची के ही समाज का पड़ोसी लड़का है, वो भी करीब 17 वर्ष और बच्ची से 10 दिन छोटा है, तो उसने उसके साथ में ये हरकत की थी, जिसके कारण से बच्ची प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद जब उसको पेट में कुछ दर्द वर्द हुआ तो उसकी माँ नहीं थी बच्ची को, तो पिता को बताया, पिता ने फिर पड़ोसी को बताया और उसके बाद बच्ची को SDM में जला के भर्ती किया। बच्ची को जानकारी के आधार पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया और विवेचना की, और हरकत करने वाले वो सपचारी बालक को भी पुलिस ने अपरेक्षा में ले लिया था और उसको पेश कर दिया गया है, बाल संरक्षण गृह चला गया है और पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रही है।